कल शाम मैं कुर्सी पर बैठी औरतों की सूरतेहाल पर उदासी से सोच रही थी। जहां तक मुझे याद है, मैं जाग रही थी। आसमान पर सितारे मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। अचानक एक खातून मेरे सामने आ खड़ी हुई। मेरा ख्याल था कि वो मेरी दोस्त सारा थी। सुबह खैर। मैं मुस्कुरा दी, जानते हुए कि ये सुबह नहीं थी। लेकिन सारा को मजाक की आदत है, इसलिए मैंने जवाब दिया, तुम कैसी हो? चलो मेरे साथ बाग में सैर के लिए चलो। मैंने फौरन उसकी पेशकश कबूल कर ली, खास तौर पर इसलिए कि रात का वक्त था और मर्द हजरात सो रहे थे। जैसे ही हम बाहर निकले, मैं हैरान रह गई कि सुबह का रोशन वक्त था। गलियों में चहल पहल थी। मैं थोड़ी सी फिक्रमंद हुई कि मैं दिन की साफ रोशनी में चल रही थी, लेकिन वहां कोई मर्द नजर नहीं आ रहा था। मैंने महसूस किया कि साथ चलने वालियां मेरा मजाक बना रही थी। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि तुम बहुत मैनिश हो। मैनिश? मतलब? इनका मतलब है कि तुम बहुत शर्मीली और डरपोक हो, बिल्कुल मर्दों की तरह। शर्मीली और डरपोक, मर्दों की तरह। ये वाज़े तौर पर एक मजाक था, लेकिन मुझे उस वक्त परेशानी महसूस हुई जब मुझ पर खुला कि मेरी साथी मेरी दोस्त नहीं बल्कि कोई अजनबी है। क्या हुआ? मुझे अजीब महसूस हो रहा है। एक पर्दा नशी औरत होने के नाते मुझे बगैर पर्दे के घूमने की आदत नहीं है। तुम्हें किसी मर्द के सामने आ जाने से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये लेडी लैंड है, गुनाह और नुकसान से पाक। बहुत खूब, ये सारी जगह एक बाग जैसी मालूम होती है। लेकिन मर्द कहाँ है? अपनी असल जगह पर। अरे, उनकी असल जगह से क्या मुराद है? ओह, मेरी गलती है। तुम्हें हमारे रिवाज मालूम नहीं है। हम अपने मर्दों को घर में बंद रखते हैं, बिल्कुल जैसे हमें जनान खाने में रखा जाता है। भाई वाह। लेकिन प्यारी सुल्ताना, क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि बेजर औरतों को अंदर बंद रखा जाए और मर्दों को खुला छोड़ दिया जाए? हमारे लिए जनान खाने से बाहर आना महफूज नहीं है, क्योंकि हम फितरी तौर पर कमजोर हैं। हाँ, ये उस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक मर्द गलियों में हैं। फर्ज करो कोई खतरनाक पागल अपनी पनाहगाह से भाग जाए और हर तरह की शैतानी करता फिरे, तो तुम्हारे मुल्क के लोग क्या करेंगे? वो उसे पकड़कर दोबारा कैद में डाल देंगे। और तुम्हारे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है कि सही उल दिमाग लोगों को कैद में रखा जाए और पागलों को खुला छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारे मुल्क में यही सब कुछ तो होता है। मर्द जो हर तरह की शैतानी के काबिल होते हैं और करते भी हैं, वो खुलेआम फिरते हैं, और मासूम औरतों को जनान खाने में बंद रखा जाता है। अपने मामला चलाने में हमारी कोई मर्जी नहीं है। मर्द हमारा आका और मालिक है। उसने सारी ताकत और हुकूक अपने पास रख लिए हैं। तुम खुद को अंदर बंद रखने की इजाजत क्यों देती हो? इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द औरतों से ताकतवर है। एक शेर एक आदमी से ताकतवर होता है, लेकिन इससे वो इंसानों पर काबू नहीं पा सकता। लेकिन मेरी प्यारी सारा, अगर हम सब कुछ खुद करने लगे तो मर्द क्या करेंगे? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माफ करना, वो किसी काबिल नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने का वक्त कैसे मिल जाता है? तुम्हें दफ्तर का काम भी तो करना पड़ता है। हाँ, मैं सारा दिन लेबोरेटरी में काम नहीं करती। मैं 2 घंटों में अपना काम खत्म कर लेती हूँ। 2 घंटे में? हमारे यहाँ तो अफसरों को 7 घंटे रोजाना काम करना पड़ता है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो पूरे 7 घंटे काम करते हैं? हाँ, तो और क्या? नहीं सुल्ताना, वो नहीं करते। वो तंबाकू नोशी में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। वो अपने काम के बारे में बातें करते हैं, लेकिन काम कम ही करते हैं। फर्ज करो, अगर एक सिगरेट फूंकने में आधा घंटा लगता है और एक आदमी 12 सिगरेट रोज पीता है, तो इसका मतलब है कि वो 6 घंटे सिर्फ सिगरेट नोशी में जाया कर देता है। तुम खाना कैसे पकाती हो? सूरज की आग से। चलो मैं तुम्हें अपनी तारीख के बारे में बताती हूँ। 30 साल पहले जब हमारी मौजूदा मलिका 13 साल की थी, उस वक्त उन्हें तख्त पर बिठाया गया। लेकिन मुल्क पर हकूमत दरअसल वजीरे आजम चला रहा था। हमारी मलिका ने इसरार किया कि तमाम औरतों को तालीम याफ्ता होना चाहिए। उनके हुक्म की तामील की गई
लड़कियों के स्कूल बनाए गए और कोई औरत 21 साल होने से पहले शादी नहीं कर सकती थी। चंद ही सालों में हमारी अलग यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता था। खवातीन की यूनिवर्सिटियों में से हमारी एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा शानदार गुब्बारा ईजाद किया जिसके साथ बहुत से पाइप लगे हुए थे। उसकी मदद से फिजा में जितना मर्जी पानी हासिल किया जा सकता था। जब यूनिवर्सिटी ने जायद पानी हासिल करना शुरू किया तो तबाहकुन बारिशें भी बंद हो गईं। ये तो नाकाबिले यकीन है। जब खवातीन की दूसरी यूनिवर्सिटियों को ये मालूम हुआ तो उन्होंने एक ऐसी ईजाद की जिसकी मदद से सूरज की गर्मी को जमा किया जा सकता था और इसे स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता था। जब मर्दों को ये मालूम हुआ कि खवातीन की यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं, तो वो बहुत हंसे और उन्होंने इसको एक जज्बाती ख्वाब करार दिया। तुम्हारी कामयाबियाँ जबरदस्त हैं, लेकिन ये बताओ कि तुमने मर्दों को जनान खानों में कैसे बंद किया? ये मुमकिन नहीं है कि वो आसानी से हार मान लें और अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो जाएं। यकीनन उन पर काबू पाया गया होगा। हाँ, उन पर काबू पा लिया गया है। जनाना सिपाहियों की मदद से? नहीं, हथियारों के जरिए नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। मर्दों के बाजू औरतों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन फिर दिमाग से? उनके दिमाग भी तो औरतों से बड़े और भारी हैं। एक हाथी का दिमाग एक मर्द के दिमाग से ज्यादा बड़ा और भारी होता है। इसके बावजूद मर्द इन्हें अपनी मर्जी से जंजीर पहना सकते हैं। कहा तो तुमने दुरुस्त है, लेकिन मुझे बताओ ना प्लीज, ये सब कुछ कैसे हुआ? औरतों के दिमाग मर्दों से ज्यादा तेज हैं। 10 साल पहले एक हमसाया बादशाह ने हमारे मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी। हमारे अक्सर जंगजू मारे गए और बाकियों को पीछे धकेल दिया गया। दुश्मन 25 मील तक दारुल हुकूमत में अंदर घुसाया था। महल में दाना औरतों की एक मीटिंग हुई। कुछ ने कहा कि फौजियों की तरह लड़ना चाहिए, कुछ ने इस पर एतराज किया। मलिका ने फैसला किया कि हम अपनी जिस्मानी ताकत के बजाय अपने दिमागों का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सिटी की खातून प्रिंसिपल के पास एक मंसूबा था, लेकिन इसके लिए औरतों को बाहर निकलने की जरूरत थी। मलिका ने तमाम मर्दों को हुक्म दिया कि वो मुल्क की इज्जत और आज़ादी की खातिर जनान खाने में चले जाएं, ताकि औरतें अपना पर्दा रख सकें। जख्मी और थके हुए तो वो थे। मर्दों ने इस हुक्म को एक नेमत समझा और किसी एहतजाज के बगैर जनान खानों में चले गए। फिर उस खातून प्रिंसिपल ने अपनी 2000 तालिबात के साथ मैदान जंग का रुख किया और सूरज की गर्मी का रुख दुश्मन की तरफ फेर दिया। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था और वो सब भाग खड़े हुए। उसके बाद किसी ने हम पर हमला करने की जरूरत नहीं की। और आपके मुल्क के मर्दों ने जनान खानों से बाहर आने की कोशिश भी नहीं की? हाँ, वो आजाद होना चाहते थे। उन्होंने मलिका से दरख्वास्त की कि उन्हें उनके दफ्तरों में वापस बहाल कर दिया जाए। मलिका आलिया ने उन्हें कहा कि अगर उनकी खिदमात की कभी जरूरत पड़ी तो उनको बुलवा लिया जाएगा। अब वो पर्दा सिस्टम के आदी हो गए हैं और उन्होंने इस अलहदगी पर कुड़ना छोड़ दिया। हम अब इस सिस्टम को जनान खाना के बजाय मर्दान खाना कहते हैं। घर पर मेरी दोस्तें किस कदर हैरान होंगी जब उन्हें बताऊंगी कि लेडी लैंड में औरतें मुल्क पर हुकूमत करती हैं, जबकि मर्द मर्दान खाने में बच्चों को खिलाते और घर के काम करते हैं, और यहाँ खाना पकाना कितना आसान है। अचानक एक झटका लगा और मैं फिसल कर गिरी, और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। और आंख खुलने पर मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी झूल रही थी।